आज की वीडियो लास्ट तक देखना, इसमें मैं टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करने के सही तरीका बताऊंगा। टिकटॉक पे वीडियो को अपलोड करने के 3 तरीका बताऊंगा। अगर इस 3 तरीके से अगर वीडियो को आप अपलोड करते हैं तो आपके वीडियो पे 100% लाइक एंड व्यूज आएंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे चलते हैं मोबाइल को होम स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं बताता हूँ किस तरह से आपको वीडियो को अपलोड करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले आपको टिकटॉक आईडी के ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं 3 तरीका बताऊंगा टिकटॉक पे वीडियो अपलोड करने का। सिंपल आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाता है। सिंपल आपको अपलोड पे क्लिक करना है, वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद वॉल्यूम पे आना है और सिंपल इसे फुल साउंड कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। इसके बाद आपको फिल्टर पे आना है। अगर फिल्टर आपको लगाना चाह रहे तो सिंपल आपको F1 लगाना है, क्योंकि यहाँ से आपको फेस जो है काफ़ी ज़्यादा गोरा हो जाता है। इसके बाद एक बार बैक कर लेना है। बैक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ट्रेंडिंग हैशटैग आपको लगाना है। इसके बाद वीडियो को पोस्ट कर देना है। यदि इस तरह से आप पोस्ट करते हैं आपके वीडियो पे लाइक एंड व्यूज काफ़ी ज़्यादा नहीं आता है, तो आपको दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ वीडियो को कैसे आपको अपलोड करना है। तो जैसे कि आपको पता है टिकटॉक पे प्रत्येक दिन कोई ना कोई वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहता है। तो सिंपल आपको करना क्या है, जो वीडियो 24 से 48 घंटे के अंदर में जिस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक एंड व्यूज आए होंगे उस वीडियो के साउंड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे यूज दिस साउंड का एक ऑप्शन आ जाता है, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से हमें अपलोड पे आना है और फिर से हमें वही वीडियो हमें सेलेक्ट कर लेना है जो आपने टिकटॉक के लिए वीडियो को एडिट किया है। तो सिंपल मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे आना है। इसके बाद वॉल्यूम पे आना है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, हमारा जो वीडियो का साउंड है इसे हमें फुल कर देना है और टिकटॉक का जो साउंड है इसे हमें बिल्कुल नॉर्मल कर देना है, यानी कि 0 पे कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। फिल्टर पे आना है। यदि आप यहाँ पे फिल्टर लगाना चाह रहे तो फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं। सिंपल मैं ज़्यादातर F1 फिल्टर यूज करता हूँ, तो F1 ऐड कर देता हूँ। इसके बाद बैक कर लेना है। बैक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से हमें यहाँ पे 4 से 5 हैशटैग ट्रेंडिंग हैशटैग यहाँ पे आपको यूज कर लेना है। तो सिंपल इसके बाद आपको यहाँ से पोस्ट कर देना है। ये मैं दूसरा तरीका बता दिया। इसके बाद लास्ट तरीका, अगर वीडियो पे आपको व्यूज नहीं आता है तो आपको कैसे अपलोड करना है। टिकटॉक पे 2 तरीके से वीडियो अपलोड करते हैं फिर भी आपको लाइक एंड व्यूज नहीं आता है तो आपको क्या करना है। तो सिंपल आपको ज़्यादातर वीडियो 10 से 20 वीडियो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। आपको जो टिकटॉक के साउंड, टिकटॉक पे जो ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है उसी के साउंड पे आपको डायरेक्ट अपने इस साउंड पे आना है। इसके बाद यहाँ से आपको डायरेक्ट वीडियो को आपको शूट कर लेना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे फ्रंट कैमरा चालू करना है और यहाँ से आपको वीडियो शूट कर लेना है। यदि कोई और आपके साथ व्यक्ति है जो आपको कैमरा पकड़ सकता है तो बैक कैमरा से ही वीडियो शूट कर सकते हैं। शूट करने के बाद इस तरह से वीडियो को यहाँ पर आपको सिंपल आपको वीडियो शूट हो जाएगा। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर वॉल्यूम को 200 कर देना है। इसके बाद यहाँ पे फिर से हमें ट्रेंडिंग हैशटैग 5 से 6 यूज कर लेना है। इसके बाद वीडियो को अपलोड कर लेना है। इन तरीके से वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके वीडियो पे 100% लाइक एंड व्यूज आएगा, क्योंकि तो ज़्यादातर आप यदि टिकटॉक के वीडियो के साउंड पे अगर वीडियो शूट करते हैं तो आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक एंड व्यूज आने के चांसेज रहता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।